नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज़। बांस की लकड़ी की दुकान में लगी आग, धू कर जल गया गरीब का सामान। आपको बताते हैं, थाना कोतवाली रामलीला मैदान निवासी आसाराम ने बताया, मैं एक गरीब एवं विकलांग व्यक्ति हूं। मेरी आगरा रोड शिव मंदिर के सामने लकड़ी के ट्रैक्टर की दुकान बनाकर उसमें चाय बेचने का व कुछ परचून का सामान रखकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। 5-6 की रात में अपनी दुकान में सो रहा था, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे जिंदा जलाकर मारने के उद्देश्य से आग लगा दी। आग की लपटें देखकर मैं बाहर निकला तो आग बुझाने की कोशिश में मेरे हाथ भी झुलस गए। मैंने आसपास के लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाए तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आपको बताते हैं, गरीब आसाराम की दुकान में 2 मोबाइल, एक सादा, एक टच वाला, लगभग 15,000 रुपये नकद, दुकान में सामान व कपड़े, कागजात तक, काउंटर आदि कीमती सामान, जो लगभग 1,00,000 रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। इस घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में करा दी गई तथा प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बजे रात के हम सो रहे थे, सोते समय आग लगी, बुझाने लगे झंड को, फिर झंड बिना तब हम चल गए, तब नीचे में निकल के हम बाहर निकले आए, फिर हमने आवाज़ लगाई है पंडित जी को सामने, उन्हें यहाँ पर बाल्टी अल्टी लाए, पानी आने लाए, डाकते रहे, नाई गुजी आ गई, फिर गाड़ी बुलवाई, जो पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले ने नाम पता पूछा, नाम पता मैंने बताया पूरा अपना। ये किस समय आग लगी, कितने टाइम पे लगभग? 12 बजे। 12 बजे। 12 बजे। इसमें क्या क्या नुकसान हुआ तुम्हारा? हमारा सारा सब जल गया, सब 10 आदमी था, 3,000 रुपये साहब भी जल गए, और सब सामान जल गया, मोबाइल 2 जल गए। आप लोग इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग, आपका कहना भैया? अब इन्हें न्याय मिलना चाहिए कायदे। आपका नाम नुकसान हुआ? हमारा नाम अरविंद। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? कितना आदमी का नुकसान हुआ है उनको, मतलब जितना अच्छा हुआ है इसमें, तो मिलना चाहिए गाड़ी सरकार के द्वारा। और आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा बताएं? नहीं भाई, जो गरीब आदमी है उसको कुछ न्याय मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए, अच्छा हुआ जिससे वो रोजी रोटी पे चला। क्या नाम है? राम निवास। हाँ, कैसे आग लगी थी? पता नहीं, रात में आए थे तो घर पर लेटे थे, पता है हमारे ससुर जी हैं, यहीं पर लेटे थे। ये आपके ससुर जी हैं? हाँ, हमारे ससुर जी हैं, यहीं पर लेटे थे रात को, लोग अंदर गेट खुला नहीं, आग लगी एकदम उठे रात को 1 बजे, उठने से हमने देखा एकदम भड़बड़ाया यात्रा, तब इनने गेट खोला, शादी को उठाया, तब पर के उसमें से निकले, तो एसी में लेटे थे। हाँ, एसी में लेटते थे वो, उसमें से पर के निकले, गेट खुला नहीं, चाबी दी, एकदम अचानक आग उठी, जब उनको आग लगी तब उनको पता नहीं चला, तो आराम से निकले। फिर आग कैसे लगी है वो पता नहीं सर, मतलब भाई लेते उसका था, मतलब अंदर, और पता नहीं मतलब कैसे लगी, और साइड में लगी, बहुत भयानक आग लगी, क्योंकि मतलब मेरे भाई का सब पूरा सामान जल गया, क्या क्या उसके मतलब हाथ भी चले गए। आग लगी थी रात में, और उसमें 2 सिलेंडर भी रखे हुए थे, जब ये उठे तो इन्हें कोशिश की बुझाने की, तो थोड़ा मौका मिला, जितना आग मिले मौका नहीं लगा, यहाँ से जगह थोड़ी निकाली इनने, और ये निकले, चाबी इनकी अंदर ही रह गई थी, फिर ये रोते हुए भागते थे, चिल्लाया, गेट खुलवाया, हमने गेट खोला, समर चलाई, 5-6 लड़के ऐसे इधर निकल रहे थे, फिर उन्होंने मदद किया, और समर चला के कम से कम नहीं तो आधे घंटे 1 घंटे तक उसमें पानी डाला, आग बुझी नहीं सिलेंडर की वजह से, फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फिर वो आई और उन्हें बुझाया।